मुकेश एक नामी कंपनी के फैक्ट्री मैनेजर थे। उनके पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, एक परिवार और नौकरी। उनको एक दिन टीबी हो गया और उन्होंने सावधानी नहीं बरती, जिसका नुकसान वो आज भी भुगत रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी कहानी। अरे आ गए आप। हाँ, क्या हुआ, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। कुछ नहीं, तुम काम करो। पैरासिटामोल ले लो, मतलब थोड़ा सा बुखार है। क्या हुआ यार, तबीयत खराब हो गई है। तू कैसी है, कल गिर गई थी ना तू? नहीं ठीक नहीं हूँ, अभी खांसी हो रही है, पसीना आ रहा है। तो तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? वो सर छुट्टी नहीं दे रहे। बात की तुमने? हाँ बात की थी एक बार, पर हम सब मिलके एक बार बात करते थे। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है सर? ये कल इसी काम कर रही थी काफ़ी देर तक, तो इसको सर पता नहीं क्या हुआ, अचानक चक्कर खांसी हो रही है सर, तो हम सोच रहे हैं इसको होता रहता है सर थोड़ा बहुत। वो तो ठीक है, पर हम डॉक्टर को दिखाते सर इसको। क्या बनना होता? डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया ना सर, इसमें वो लीव चाहिए सर। देखो छुट्टी तो मैं देता नहीं, मैं खुद बीमार हूँ, मैंने छुट्टी ली ली मैंने छुट्टी। मतलब थोड़े से बीमार हुए छुट्टी लेने चल पड़ते हो क्या? मतलब काम नहीं करना यहाँ पे? काम करने जाओ चुपचाप। कुछ हफ्ते बाद आपकी खांसी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे तुम जाओ अपने काम से, काम रखो। मैं इतने हफ्तों से कह रही हूँ एक बार चले जाइए ना डॉक्टर के पास, क्या जाता है। चले जाऊंगा, तुम जाओ। सर काफी खांसी हो रही है 2 हफ्तों से, और फीवर भी काफी आ रहा है, पसीना भी काफी आता है रात को, और बलगम भी काफी आ रहा है, और छाती में बहुत दर्द हो रही है। 2 हफ्ते से आप पहले क्यों नहीं आए फिर? चलो काम में बिजी था, अभी काफी काम हो गया है आजकल। बलगम आपने बताया, किस कलर का है? हरा, जैसे हर कई बार हरा पीला सा आता है। हरा पीला, और मतलब भूख वगैरह आपको कुछ लगती है? थोड़ी कम लगती है आजकल। सांस लेना जोर से, खांसना। तो अभी आप लैब टेक्नीशियन के पास जाएंगे, वो आपका स्पीडम चेक करेंगे, यानी आपका बलगम की जांच कराएंगे अभी आप जाके। उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स आएगी उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अभी आप जाओ जल्दी से। देखिए आपको टीबी है, सो वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अब बहुत कॉमन है, लेकिन आराम से ठीक हो सकता है। बस आपको ये दवाइयाँ लेनी है, मैं आपको दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, ये आपको 4 हफ्ते तक प्रॉपरली लेनी है, कोई भी मिस नहीं करनी है क्योंकि 4 हफ्ते। हाँ 4 हफ्ते, मतलब अगर आपको ठीक से देखिए, अगर आप इसे ढंग से नहीं लेंगे तो आप अभी तो बीच में रोकेंगे, फिर आपको फिर से हो सकता है, इससे और ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो मैं आपको ये दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आपको ये टाइम टू टाइम लेनी है, ठीक है? और घबराने की कोई बात नहीं, और साथ में थोड़ा दूसरों से कांटेक्ट कम करिए, माउथ मास्क वगैरह, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, मतलब फैल आराम से जाती है, तो देख लेना ये, और ये प्रॉपरली आपको लेनी है, ठीक है? और आप 4 हफ्ते बाद फिर से आ सकते हो मेरे साथ, ठीक है? मैडम जी ये दवाई दे दो। सर ये दवाइयाँ आपकी, और 4 वीक्स का कोर्स हो गया, और 480 रुपीज़ होगा। 480? थोड़ी कम कर दो, 200 तक हो जाएंगे। यही दवाई आएगी आपकी, ये लो, और इसको आप फ्री तो 2 वीक्स का कोर्स होगा। 2 वीक्स का?
तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज मुकेश अपनी ही लापरवाही के कारण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर आप चाहें तो उससे बच सकते हैं और डिटेक्ट होने पर समय समय पर अपना इलाज कराने से ठीक भी हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2016 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2.72 मिलियन केसेस ट्यूबरकुलोसिस के भारत में डिटेक्ट हुए थे, जिनमें से अधिकतम केसेस लोगों की अपनी लापरवाही के कारण थे। और वो कहते हैं ना, नेवर डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो हमेशा याद रखें, 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए खांसी हो तो तुरंत बलगम की जांच करवाएं, और अगर ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट होता है तो समय पर इलाज कराकर दोबारा से अपना सुखद जीवन जिए।